अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोस्तों कैसे हो दोस्तों। आज की हमारी वीडियो है एसी सबमर्जेबल वाटर पंप के ऊपर। ये 0.75 है, इसका मैक्सिमम हेड जो है ना वो है 70 मीटर। 210 फीट बन जाते हैं, तो इसका प्रेशर तो बहुत अच्छा है। इसको आप उस पर भी चला सकते हो, सोलर पे भी चला सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक इन्वर्टर। तो इन्वर्टर अगर आपके पास हो और वो लगा ले, सोलर लगा ले, 320 के दो तीन लगा ले, दो नहीं तीन, 320 वाट की तीन अगर आप लगा ले तो उस पर चल सकते हैं। इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वो जो एसी वाले हैं, लेकिन उसका प्रेशर तो नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर वो यहाँ वहाँ पे ज़रूरत होती है जहाँ पे बिजली ना हो। क्योंकि अगर जहाँ पे बिजली अवेलेबल हो उसका खर्चा कम हो जाता है, क्योंकि प्रेशर जब जितना ज़्यादा हो ना तो उतना खर्चा कम हो जाता है। तो इसकी हमने मुकम्मल फिटिंग भी की हुई है, एक जगह पे ना नया बोर किया हुआ था उस्ताद ने, तो वहाँ पे मुकम्मल फिटिंग भी की थी और इंस्टॉलेशन भी किया था मुकम्मल। तो वो मैं आपको पूरी वीडियो दिखा देता हूँ। ये वो सबमर्सिबल वाटर पंप है, इसकी आपको ये सामने नज़र आ रहा होगा, देखा ना, ये 220 वाट के, ठीक है ना, मैक्सिमम हेड जो है ना वो 70 मीटर है और आरपीएम 2850 है। तो इसकी प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि आरपीएम जितना वो ना ज़्यादा ये वो यही आते हैं, 2850 2900 यही आरपीएम आते हैं। इसका प्रेशर ज़्यादा है, इसमें इंपेलर लगे होते हैं, इंपेलर के जो ना प्रेशर ज़्यादा होते हैं। इसमें 9 8 9 इंपेलर होते हैं, किसी में 8 होते हैं, किसी में 9 होते। जो आपके पास इटली वाले आते हैं, मेड इन इटली ओरिजिनल, उसमें 11 इंपेलर लगे होते हैं, लेकिन वो होते हैं स्टील के। उसका प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसका जो ना प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। ये अगर 11,000 का मिलेगा आपको तो वो 22 22 या 20,000 या 22,000, 20 से 22,000 से कम वो नहीं मिलते, क्योंकि वो महंगा होते हैं, वो मेड इन इटली होते हैं। इसके अंदर जो इंपेलर लगे होते हैं वो होते हैं प्लास्टिक के, जो मेड इन इटली होते हैं ना, वो उसमें लगे होते हैं जो इंपेलर होते स्टील के होते हैं। क्योंकि वो मेरे एक दोस्त है ना, जिनकी मैंने एक दो वीडियो अपलोड की थी ना, वो उस्ताद है ना एक मैकेनिक है इन चीज़ों का ना, तो उनके पास मैं बैठता रहता हूँ, तो वो मुझे बताते हैं कि इसमें जो ना इंपेलर ये लगे होते हैं, उसमें ये लगे होते हैं, इसमें इतने लगे होते हैं, उसमें इतने, तो वो उससे मैं पूछता रहता हूँ ना। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि वो उसने कभी 3 4 दिन में 3 4 से ज़्यादा खोलते बनाते, वो वेंडिंग करते हैं ना इनकी, तो मुझे फिर दिखा देते कि इसमें ये वाले लगे। और वो जो उसके पास पड़ा हुआ था मेड इन इटली, तो उसने मुझे कहा था इसका जो सिर्फ मशीन है, जो पंप है, उसका 11,000 रुपये कीमत है और इसके मुकम्मल 11,000। लेकिन ठीक है, काम चलते हैं, काम चलाते हैं, वो भी ख़राब हो जाते हैं, ये भी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन काम चलाते हैं, काम मसला सारा होता है काम के साथ। अगर आप लोग ये लेना चाहते हो तो अच्छा है, क्योंकि काम चलाते अक्सर लोग इन्हें ये, बल्कि अक्सर क्या बेशतर लोग यही लगाते हैं, ठीक है ना। हमने खुद भी यही लगवाए हुए हैं, तो ये ठीक काम कर रहे हैं। इसमें ये होता है ना कि इसमें थोड़ी सी क्वालिटी का मसला होता है, अगर आप अच्छी क्वालिटी वो ले लो, ये जो यहाँ पे सामने आपको, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ना ब्लू कलर का ना, यहाँ पे वो लगा होता है उसका पीतल का, ये वाला जो ना ये लोहे का है, तो वो पीतल वाला लिया करें उस जरा, ऐसा होता है ना कि वो ख़राब इतने जल्दी नहीं होते, ये भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर रहता है। वो थोड़ा सा महंगा होता है, तकरीबन 1,000 2,000 का फर्क हो जाता है, लेकिन बंदा अच्छा चीज़ ले ले एक बार तो अच्छा है। तो अभी इसकी ना वो फिटिंग होगी ना, पैप लगा लिए, अभी इंस्टॉलेशन करेंगे, फिर देखते हैं ना इसका। ये वो जो आपको नज़र आ रहा है ना वाइट सा केबल, ये होता है इसको ना बांधने के लिए। तो आप लोग कोशिश किया करें इसको सही टाइट बांध लिया करें, जो तार होती है अभी जो, अभी इसमें ना थोड़ा सा वो डालेंगे ना, ये बजरी डालेंगे ना थोड़ी सी, ताकि जो रेत वगैरह होता है, यहाँ पे रेत बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रेत थी, तो वो जो रेत है ना वो थोड़ा सा कम आ जाए ना, तो उसमें ना वो नीचे जो बोर का हिस्सा होता है ना, उसमें ना वो ये बजरी डाल देते हैं, मिट्टी की बजरी, थोड़ी सी मोटी बजरी हो ना, मोटी पतली लेकिन बजरी थोड़ी सी डाल देते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर वो जो इम्पेलर लगे होते हैं वो थोड़े प्लास्टिक के होते हैं, फिर जल्दी ख़राब हो जाते हैं ना, तो इसलिए रेत से बचाते हैं। अभी डालेंगे ये जो ऊपर वाला पाइप लगा हुआ है ना, ये तकरीबन 3.5 इंच का है, जिसके अंदर लगा हुआ है ना प्लास्टिक का जो वो है केसिंग, वो 4 इंच का है, क्योंकि अभी थोड़ा सा देखो ना थोड़ा सा मसला करेगा ये, इस बीच में नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो पंप आपको नज़र आ रहा है ये 3 इंच का है, इसकी जो मोटाई होती है ना वो 3 इंच की है, अभी थोड़ा सा गड़बड़ करेगा ना, क्योंकि आगे जब जैसे जाएगा ना फिर वो सही चला जाता है बीच में। अभी थोड़ा सा इसको वो, क्योंकि साइड पे ना वो नट से लगी हुए ना, वो थोड़े से फंसा लेते हैं, क्योंकि ऊपर जो ये पाइप लगाए हुआ है ये सिर्फ इसलिए लगाया था कि ये मजबूत होते हैं, मजबूत है ना, मजबूत की वजह, अभी देखो ना बीच में सही आराम से चला गया।
अभी तो काफ़ी दिन हो गए मैं इन दोस्तों के साथ गया नहीं, वीडियो नहीं बनाई हूँ, वरना इनके साथ मैं ज़्यादा रहता हूँ, बोर की भी बना लेता हूँ और इसकी जो ना मशीन की भी बना लेता हूँ। इनकी मैंने तकरीबन 3-4 वीडियो अपलोड की हुई, 2 बोर के, एक हाथ का जो ना बोर किया हुआ है, ये भी हाथ वाला था, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई, आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं, या मैं उसमें जो ना आई क्यू पर भी जो ना वो दे दूंगा लिंक, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। देखें ना ये भी, अभी इसकी जो ना थोड़ी सी वो रहती ना फिटिंग रहती है, क्योंकि यहाँ पे भी ना वो आगे उन्हें पैप लगाना है ना, वो जो लोहे वाला है, ताकि ऊपर जो ना ये रख सके, बीच में गिरे ना। ये वाला सिस्टम बहुत अच्छा किया है, ये जो आग लगाने वाला सिस्टम है ना, वो अक्सर लोग लगा लेते हैं ना वो कागज़ के साथ या लकड़ी के साथ, ये इन्होंने सिस्टम पास मुकम्मल रखे हुए है, तेल के साथ ना थोड़ा सा तेल लगा के ना फिर जो ना वो आग लगा लेते। ठीक, ये ठीक है। अभी ये वाला लगाएगा ना जो ऊपर जो कवर करेंगे ना इसको मशीन को, इसमें एक इसमें आते एक नहीं बल्कि तकरीबन 3 किस्म के आते हैं, 2.5 इंच का भी आता है, एक 0.37 का होता है, एक 0.25 का होता है, जो 0.25 है वो बहुत बारीक है, वो तकरीबन 1 इंच का, 1 इंच की है, 1 इंच का। वो मैंने यहाँ पे नहीं, मैंने शहर में वो देखा था, यहाँ पे नहीं देखा था। वो मैंने किसी ना किसी को लगाते हुए नहीं देखा, 0.25 है ना, 0.37 वो जो उस्ताद मैं बता रहा हूँ ना, जो उस्ताद जो मैकेनिक है इनका, उसकी दुकान में पड़ा हुआ था, वो कोई लेके आया था उसके लिए, ख़राब था ना, ठीक करने के लिए लेके आया था, रिपेयर करने के लिए ना, तो वो मैंने उसके पास देखा था, मैंने पूछा था ये कौन से वाला है, उसने कहा ये 0.37 है। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो उसके पास जाऊंगा ना, वो अगर वो लेके ना गया हो ना मालिक, तो उसकी मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के वो जो बोर होते पुराने होते, तो वो पुराने बोर होते अक्सर वो हाथ के साथ, अभी ये तो जो हाथ के साथ हुए ना, ये है 4 इंच का बोर, जो पहले हुआ करते थे ना वो 3 इंच के बोर हुआ करते थे, उसमें 2.5 का ना लोग डाल लेते थे ना वो हैंडपम्प वगैरह ना, और या पैप वो डाल देते हैं दूसरे वाले ऊपर जो ना इंजेक्टर मशीन लगते हैं ना वो डाल देते ना। अब इंजेक्टर का जो ना वो इंजेक्टर की मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई, आप लोग देख सकते हो, उसमें ना प्रेशर का वो नहीं होता, बिल्कुल प्रेशर होता ही नहीं, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अभी आप लोग प्रेशर इसके देख लेते हैं दोबारा, ये चलेगा, देखें देखें इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तो इंजेक्टर जो होते हैं उसके प्रेशर इतनी नहीं होते ना, वो उसका प्रेशर बहुत कम होते हैं। एक तो ये बोर भी बिल्कुल नया है ना, थोड़ा सा वो जो ना शुरू में ना शुरुआत में थोड़ी सी रेत आ जाती है, क्योंकि साइड पे जो जो चश्मे खुलते रहते हैं ना वो साथ ना, तो ये भी ना रेत आ जाते हैं, तो अगर ये आप ना रेत अगर आप वो आ जाए ना मिट्टी आए ना, तो उसको कम से कम घंटे से दो घंटे चलाया करें ना, फिर वो जो ना बीच में ख़त्म हो जाते हैं ना, जो मिट्टी होती ना वो ख़त्म हो जाती, ख़त्म तो नहीं होती लेकिन कम हो जाती, फिर जब जैसे जैसे चलता रहता है ना तब उसके साथ साथ जो ना ख़त्म होती रहती है उसका। अब देखें ना यहाँ से वहाँ तक कितना बड़ा प्रेशर है, और पंप कहाँ पे लगा हुआ है, पानी कहाँ पे फेंक रहा है, ये देखे काफ़ी दूर से पानी फेंक रहा है, देखें ना। और जो इंजेक्टर होते हैं उनका प्रेशर इतना नहीं होता है, हालांकि अगर आप ना इसको लगा लेना इस मशीन को ना, इस मशीन को अगर आप बड़े टैंक को ना लगा लेना, तो ये इसके ऊपर आधा घंटा लगेगा, उसके ऊपर घंटे से डेढ़ घंटे लगेगा, तो बिल में ना अगर इसका थोड़ा सा वो जो ना ज़्यादा है ना, तो बिल कम आ जाता है, क्योंकि थोड़ा चलेगा, जितने कम चलेगा ना उतनी मीटर कम चलेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।